CSS की और पढ़ लेते हैं, जिससे आपको ना ये जो पिक्चर को लेफ्ट करना, राइट करना, ऊपर नीचे करना ना, ये मसले आपके हल हो जाएंगे। यार रजा भाई जरा पानी तो पिला दो यार, आपकी ये बोतल ही अभी वहाँ बैठे हो, आ जाओ ना यहाँ पर। अच्छा तो फ्लेक्स बॉक्स ना हम थोड़ा सा पढ़ जाते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा HTML, थोड़ी थोड़ी CSS पढ़ी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये जरा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो, अच्छा ये भी ना कोई अलग से नहीं आई ये चीज़, CSS के ना तीन चार ये रूल हैं, ये वाले जो रूल हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ना, ये उस लिस्ट में भी मौजूद होंगे जो कल मैंने आपको दी थी, ठीक है। लेकिन जाहिर है वो एक लिस्ट है, उसमें उस तरह से, तो ये मैं चाहता हूँ कि मैं अलग से ये चार पाँच रूल हैं आपको ये अलग से पढ़ाऊँ मैं आपको, ठीक है, इसलिए मैंने ये खोला है। अच्छा क्या है इसमें लिखा हुआ, द फ्लेक्स बॉक्स लेआउट। फ्लेक्स बॉक्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल बॉक्सेस बनाने के लिए अप्रोच इस्तेमाल होती है, किसी भी बॉक्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। अच्छा बॉक्स किस चीज़ को कहा जा रहा है यहाँ पर, जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं या HTML के मार्कअप्स हैं। अगर देखो मैं जाऊँ ना इसी, ये भी तो एक HTML का पेज है ना, इसको भी हम ज़रा खोलते हैं, और ये वाला टूल देख रहे हो, ये वाला टूल, इस पर मैंने क्लिक किया, ये जो एरो देखो ये ब्लू हो गया क्लिक कर दिया। अब जब मैं जाऊँगा ना, देखो ये हेडिंग है जिस पे मैंने अभी हाथ रखा हुआ है, जो बैकग्राउंड जिस पे लिखा हुआ है, ये हेडिंग है ना, H1 होगी है या H3 है, जो भी है, ये एक स्क्वायर बॉक्स है एक्चुअली। अच्छा फिर उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, देखो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ क्या है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स के जैसा दिखता है जब उसको चेक करते हैं। अच्छा इमेजेस भी होंगी इसमें, ये देखो इमेज है, इमेज भी क्या है, स्क्वायर बॉक्स है, बावजूद इसके क्या है उसको गोल भी करते हैं, लेकिन वो रहता बॉक्स ही है अल्टीमेटली, ठीक है। इसी तरह ये बटन है, देखो बटन भी स्क्वायर बॉक्स है, किसी भी चीज़ पे मैं हाथ लेके जाऊंगा ना, ये एक्चुअली एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। और ये एलिमेंट जिस चीज़ के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे कि ये देखो पिंक कलर का ये पूरा डब्बा है जिसके अंदर ये HTML है, ये भी एक बॉक्स है, ठीक है। तो हर HTML का एलिमेंट असल में बॉक्स है। अच्छा बॉक्स दो तरह के हैं, एक तो है कंटेनर, कंटेनर मतलब जैसे डिव है ना, डिव सिर्फ कंटेनर है, इमेज कंटेनर नहीं है, इमेज इटसेल्फ खुद कोई चीज़ है जो डिस्प्ले होती है। तो कुछ एलिमेंट कंटेनर है जैसे कि डिव और स्पैन, ये दो हैं जो कंटेनर हैं, ठीक है। डिव आपको इसी वजह से बहुत ज़्यादा सब जगह पे देखें डिव इस्तेमाल हुआ है, अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं, देखें सब जगह पे ना डिव इस्तेमाल हुआ है। तो डिव क्या होता है, एक कंटेनर होता है, अब उस कंटेनर के अंदर आप कोई चीज़ रखते हैं। अच्छा डिव क्यों इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपने पेज को चाहते हैं कि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, एक डिव इधर बना देते हैं, एक डिव इधर बना देते हैं, फिर उसके अंदर आप चीज़ें रखते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं कि इसको सेंटर करो तो आपको इस डिव के दरमियान में उसको सेंटर करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पेज की बात करूं, ये जो पेज मेरे सामने खुला हुआ है, इस पेज में आप देखें ये पिंक वाला जो है ना पार्ट, ये एक तरफ हुआ हुआ है और ये वाला पार्ट एक तरफ हुआ हुआ है। तो असल में क्या हुआ भाई, ये असल में ये दो डिव बने हुए हैं, दो कंटेनर बने हुए हैं, एक को इस साइड पे बोला के चले जाओ, एक को बोला कि इस साइड पे चले जाओ, ठीक है। फिर उस एक डिव के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, लिस्ट बना दी, ULLI के जरिए मोस्ट प्रोबेबली बनाया होगा। दूसरे के अंदर इन्होंने एक हेडिंग बना दी, थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया, एक बटन बना दिया, एक इमेज लगा दी, ठीक है। तो कंटेनर असल में इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि किसी चीज़ को कंटेन कर दें। या मिसाल के तौर पर जैसे ये वाला बॉक्स देख रहे हो, ये जो बॉक्स है इसके चारों साइड पर एक बारीक सी लकीर है, ये देख रहे हो बॉर्डर। अब जाहिर है ये बॉर्डर लगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो असल में ये बॉर्डर किस पे लगा हुआ है, उस डिव पे लगा हुआ है, उस कंटेनर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आते हैं अपने कोड में। अच्छा हमने अभी तक रिपोजिटरी बना ली है क्या इस क्लास की, इस क्लास के कोड की रिपोजिटरी क्या हमने बनाई है, हाँ इसकी रिपोजिटरी बना ली है हमने। अच्छा वो CSS वाला कोड नहीं आ रहा इसमें, वो मेरे ख्याल है मैंने अलग से बनाया था, उसको भी इसमें मर्ज कर देते हैं लागे।
अच्छा वो मैंने कहाँ बनाया था, सी एस एस वाला कोड? गिटहब में वो किस नाम से रखा था मैंने यार, माई फर्स्ट रेपो ए आई चैट बोर्ड, ये वाला था ना? हाँ ये वाला। अच्छा ये मेरे मशीन में मैंने कहाँ रखा हुआ है, मेरी मशीन में इसको मैंने कहाँ रखा था, इसका नाम कॉपी करता हूँ। माई फर्स्ट रेपो ये मिल गया सही। अलग से मैंने रिपोजिटरी आपको कुछ डेमोंस्ट्रेट करने के लिए बना दी थी, तो अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड एचटीएमएल एक को कर दिया, उसके बाद मैंने कहा दूसरे को क्या कर दो आप, टू हेलो वर्ल्ड सीएसएस कर दिया दूसरे को, और इसमें ये सारा का सारा कोड ला के जो है ना वो ये इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और नंबर थ्री पे मैं क्या बना देता हूँ, थ्री हेलो वर्ल्ड फ्लैक्स बॉक्स, ये तीनों ही हेलो ही वर्ल्ड है असल में, अच्छा। अब ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने बनाया है फ्लैक्स बॉक्स, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक नई फाइल बना देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अच्छा हम्माद भाई का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ आप लोगों से, सर हम्माद जो है ये मेरे साथ पढ़ाते हैं, इसके बाद एक सेक्शन होता है जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, उसमें हम्माद भाई जो है और मैं हम लोग दोनों मिलकर पढ़ाते हैं, तो इस क्लास में हम्माद भाई भी चैट बॉट सीखने के लिए बैठे हैं, ठीक है, जैसे आप लोग हैं, तो माशाल्लाह इनको तो पहले ही काफ़ी कुछ आता है, लेकिन फिर भी ये सीख रहे हैं, तो इनसे आपको सीख ये मिलती है कि बंदा जितना भी सीख जाए सीखना जो है ना वो ख़त्म नहीं होता बंदे का, ठीक है। मैं भी हम्माद भाई से बात बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ क्लास के दौरान, ठीक है, इवन दो कि मैं पढ़ाने से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखूँगा, क्योंकि इल्म किसी के बाप का माल तो है नहीं, ठीक है, कि मैं बोलूँ कि नहीं यार मैं ही सिखाऊंगा इस क्लास में ऐसा तो होगा नहीं, माने नहीं बंदा, वो बात अलग है, बंदे होते ना मानते नहीं है रियलिटी को देख के, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि इस क्लास में सिर्फ मैं सिखाऊंगा, मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ मैं सिखा दूंगा आपको, कुछ आप मुझे सिखा दीजिएगा, तो इसी तरह चलेगी कहानी आगे। अच्छा तो ये मैंने एक फाइल बना दी, अच्छा एक एक कंटेनर नंबर वन, और दूसरा क्या है भाई, डिफ कंटेनर नंबर टू, ये मैंने दो कंटेनर बनाए, ठीक है, ये मैंने दो कंटेनर बनाए। अब जरा इसको ओपन करके देख लेते हैं ये दिखता कैसा है, यहां पे जो है ना अभी ये बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पैराग्राफ बना, ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये समझ में आना शुरू होगा। इसके साथ मैं थोड़ी सी CSS भी लगा देता हूँ, थोड़ी सी CSS क्या लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अच्छा इनको कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा ना, क्लास व्लास भी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं दोनों डिफ पे अलग अलग CSS लगाना चाहता हूँ, तो एक को मैंने कह दिया कि भाई क्लास वन, और एक को मैंने कह दिया क्लास टू, ठीक है, दोनों पे मैं अलग अलग क्योंकि लगाना चाहता हूँ। अच्छा मैंने कह दिया कि यार डॉट वन जो है ना उस पर क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर उसका कर दो ग्रीन, काइंड ऑफ ग्रीन, और डॉट टू जो है उसका बैकग्राउंड कर दो ब्लू, ठीक है, ये दो अलग अलग मैंने इसको कलर दे दिए। अब यहाँ पे ये दोनों का मुझे एग्जैक्ट साइज़ नज़र आ रहा है कि वो जो दोनों कंटेनर है वो हैं कहाँ तक, उसका आ तक कहाँ तक गया है, तो बैकग्राउंड कलर देते ही मुझे ये कंटेनर पूरी तरह से नज़र आ गया, पहले मुझे इसके अंदर का सिर्फ कंटेंट नज़र आ रहा था, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कंटेनर है ना मेरे,
जो आप में से बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे थे कि सर स्क्रीन के उस तरफ जाना है मुझे, स्क्रीन के इस तरफ भेजना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा। अच्छा, तो इस कंटेनर को पहले तो मैं बना लेता हूँ चकोर चकोर डब्बे। अच्छा, अब जो मैं CSS लगाने जा रहा हूँ चकोर डब्बे, वो मुझे दोनों को क्या देना है, एक ही स्टाइल देना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा डॉट वन और डॉट टू, ये दोनों पे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह करके दोनों पे भी लगाया जा सकता है। विड्थ दो सौ पिक्सल, ठीक है, विड्थ इसकी 200 पिक्सल, मैंने कहा हाइट भी 200 पिक्सल। अच्छा यार, ये मेरे ख्याल कॉमा लगता है बीच में, सही है, ये वन और टू इसके साथ ये कॉमा लगता है, हाँ अब ये लग गया दोनों पे। अच्छा देख रहे हो क्या हुआ, अब एक कंटेनर 200 पिक्सल बाई 200 पिक्सल और दूसरा भी उतने का ही हो गया। हाँ, अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है ना, कि हमें एक को, अब नोट करो कि ये इसके विड्थ बावजूद इसके कि मैंने कम कर दिया है, उसके बावजूद भी ये पूरी विड्थ असल में इसने ली हुई है। जब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ ना, और इस एरो से इसको जब मैं जाके देखता हूँ, तो ये अभी भी ढीठ की तरह पूरी जगह लेके बैठा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों किया हुआ इसने, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जैसे एच वन है, डिव है, पैराग्राफ है, यू एल एल आई है, ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये जब लिखे जाते हैं ना, तो बाई डिफ़ॉल्ट एच टी एम एल इसको बोलता है कि भाई इस लाइन में कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा। तो बावजूद इसके कि मैंने इसकी विड्थ कम कर दी है, विजिबल विड्थ तो कम हो गई, लेकिन पीछे ये डीप की तरह पूरी जगह लेके बैठा हुआ है। अच्छा, अब जब तक ये जगह छोड़ेगा नहीं ना यहाँ से, इस जगह पे कोई दूसरा कैसे आएगा, कोई दूसरा डिव या कोई दूसरी फोटो या कोई दूसरी हेडिंग इस जगह पे जब तक नहीं आ सकती जब तक वो जगह ना छोड़े, सही है। अच्छा, तो इस मसले को टैकल करने के लिए ना बहुत सारे अप्रोचेज इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें से फ्लेक्स बॉक्स एक अप्रोच है जो हम आज थोड़ा सा डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, तो कंटेनर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि भाई जब भी हम कोई, हमें अपने वेब पेज का एक पार्ट बनाना होता है तो हम पहले उसका कंटेनर बना लेते हैं, उसके अंदर फिर हम डेटा लिखते हैं। तो मिसाल के तौर पे जैसे मैं अगर चाह रहा हूँ ऐसा, मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि ये दो कंटेनर हो गए और एक इधर हो जाए एक इधर हो जाए, तो शायद एक में मैं अपने सीवी की फ़ोटो लगाऊँ और दूसरे में शायद मैं नाम लिखूँ अपना, हेडिंग लगा के, इसी तरह का कुछ होने जा रहा है। ठीक है, तो कंटेनर बना लिया मैंने, अंदर वाला काम अभी थोड़ी देर में करते हैं। अच्छा, तो फ्लेक्स बॉक्स जो है ना, हम क्या पढ़ रहे थे कि फ्लेक्सिबल बॉक्सेस क्या होते हैं, तो इन्होंने कहा भाई फ्लेक्स बॉक्स लेआउट जो है ना, वो फ्लेक्सिबल बॉक्सेस बनाने के काम आता है। अभी हमारा बॉक्स ना फ्लेक्सिबल नहीं है, अभी वो डीड बना हुआ है, वो लेके पूरी जगह बैठा हुआ है। अच्छा, अक्टूबर 2017 में ना इसको CSS का पार्ट बनाया गया। ठीक है, यानी अभी 2-5 साल हुए शायद, तो ये नया है, रिलेटिवली नया है, दूसरी अप्रोचेस से नया है। Aim at providing more efficient way to layout. Layout बनाने का एक efficient तरीका फ्राहम करना इसका गोल था, इसको ऐड करने का जो मकसद था वो ये था कि layout बनाने का एक efficient तरीका फ्राहम कर दिया जाए developers को। अच्छा, layout सुन के जहन में क्या बात आती है, layout सुन के जहन में क्या बात आती है, layout किस चीज़ को कहते हैं, ऐसे ब्रेन स्ट्रॉमिंग का क्वेश्चन है, ओपिनियन आपका, ब्लू प्रिंट वेबसाइट का डिजाइन स्ट्रक्चर, और आप लोग भी बताएं, कोई भी बताएं, अंग्रेजी में लेआउट किस चीज को कहते हैं, गलबन तरतीब कहते हैं लेआउट को अंग्रेजी में। लेआउट को जो है, लेआउट डेफिनेशन मैंने लिखा, क्योंकि देखो आधी कहानी ना नाम में छुपी हुई होती है, तो नाम पे गौर करना चाहिए हमेशा। इन्होंने डेफिनेशन बताई है कि द वे इन विच द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर अरेंज्ड और लेड आउट। ठीक है,
जैसे इस रूम का जो लेआउट है ना वो ये है कि एक फ्रंट पे टीचर का डेस्क लगा हुआ है और उसके सामने ना ऐसे तीन कॉलम बने हुए हैं, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे और एक सेंटर में तीन कॉलम बने, बीच में से आने जाने की जगह। तो दिस इज़ अ लेआउट। ये लेआउट मुख्तलिफ भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि पूरी सीधी डेस्क होती और दोनों कॉर्नर से आने जाने की जगह होती, तो ये एक लेआउट है, ठीक है। अब इसके लेआउट में पीछे दो एसी लगे हुए हैं, वो भी शामिल है, ऐसे बिल्कुल एक दो प्रोजेक्टर दो साइड्स पे लगे हुए हैं, मेरे लेफ्ट और राइट पे आपको स्क्रीन दिखती है उसकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि किस तरतीब से कोई चीज़ जो है ना रखी हुई है किसी जगह पर, ठीक है। जैसे बेडरूम होता है, बेडरूम का आमतौर पर लेआउट क्या होता है कि जब आप दाखिल होते हैं तो एक बेड बिल्कुल सेंटर में होता है, अच्छा बेड के दोनों साइड पर साइड टेबल होती है और साथ में अटैच वॉशरूम होता है मोस्ट प्रॉब्ली, और बेड के बिल्कुल सामने आमतौर पर टीवी लगाते हैं लोग कि बेड पे जब लेटे तो टीवी दिखे सामने, और अगर बच जाती है जगह कुछ साइड में तो कोई ड्रेसिंग टेबल वगैरह होता है कि अटैच वॉशरूम से जब बंदा निकले नहा वहा के तो सर्वर झाड़ ले खड़ा होगा। ये एक एक, एक एक क्या उसको कहते हैं मोस्ट कॉमन लेआउट है बेडरूम का। अच्छा तो एक वेबसाइट में भी ना लेआउट होते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे होगी, कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए। अब मैं अगर लिखूँगा ना यहाँ पे कि वेबसाइट लेआउट, तो कई तरह के ना स्टैंडर्ड लेआउट, जैसे मैंने बेडरूम का जिक्र किया तो कई तरह के स्टैंडर्ड लेआउट ना आपको मिल जाएंगे गूगल के इमेज के ऊपर आके। देखो ये एक ना क्लासिक लेआउट है, यही होता है ना, सबसे ऊपर एक हेडर होता है उसके ऊपर नेविगेशन मेन्यू होता है कि भाई होम, अबाउट, गैलरी, सही है। एक एक समझ लो अगर कुछ नहीं सोच रहा बंदा तो ये करेगा, ठीक है। वैसे सोचने को तो फिर बहुत कुछ, और लास्ट में फूटर होता है, ठीक है। एक दो और हम इस तरह देखते हैं, ये कुछ मॉडर्न लेआउट्स आपके सामने बने हुए हैं, ठीक है। अब इस ब्लैक डब्बों के अंदर होगा क्या वो आप समझ सकते हैं देख के। ये लेआउट असल में किसका बना हुआ है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट का लेआउट बना हुआ है। अच्छा अगर ये वाले पे मैं जूम इन करूँ, ये जो फर्स्ट वाला है, ये किस किस तरह की वेबसाइट में किस जगह पे ऐसा लेआउट दिखता है आपको, हाँ? अच्छा मैंने ये इस तरह का लेआउट ज़्यादातर वहाँ पे देखा है जब हम किसी ई कॉमर्स स्टोर पे जाते हैं और प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो लेआउट यही होता है वहाँ पे। यहाँ पे पिक्चर बनी हुई होती है प्रोडक्ट की, यहाँ पे इसकी प्राइस वगैरह लिखी हुई होती है इस जगह पे, यहाँ पे जो है ना थोड़े रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं चार के करीब, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन होती है, नीचे फिर इसका पूरा पेज होता है लंबा के, पूरी HTML का पूरा पेज होता है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने पूरी डिटेल बताई हुई होती है, ठीक है। ये वाला लेआउट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जहाँ पे इमेजेस दिखानी होती है ना ज़्यादा क्वांटिटी में, लेआउट यही होता है वहाँ पे। गूगल इमेजेस जो हम अभी खोल के बैठे उसमें लेआउट यही है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है वो ऐसा होता है आमतौर पर कि जैसे ही आप खोलते हैं सामने एक बैनर होता है जिस पर सेल वगैरह लिखी हुई आ रही होती है और नीचे ये तीन प्रोडक्ट हैं इसके, ज़ाहिर है वो पेज पर और नीचे ये, मैंने इस तरह का जो आमतौर पर देखा है वो आर्टिकल्स में देखा है। आर्टिकल जब हम खोलते हैं ना कोई, तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई जैसे कोई हिरन के ऊपर आर्टिकल किसी ने लिखा हुआ है, डियर की, तो डियर की एक फ़ोटो है, यहाँ पे आर्टिकल है और ये मोर, रीड मोर का बटन बना हुआ है, फिर नीचे और आर्टिकल हैं दूसरे, ठीक है। ये वाला लेआउट थोड़ा सा रेयर है, कम यूज़ होता है। बहरहाल हमने ये समझ लिया कि लेआउट होता क्या है, तो हाँ कोड बने हुए भी पढ़े हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ ये कोड बने हुए भी मौजूद है, हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे वो सब बने हुए भी इंटरनेट पे मौजूद है, लेकिन हाँ लेआउट बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ होता है लेआउट। अच्छा ये कुछ मजीद लेआउट है, थोड़ा मजीद डिटेल्ड लेआउट है ये कि इसमें लिखा भाई यार यहाँ पे कंपनी का नाम होगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर होगा, यहाँ पे लैंडिंग का टेम्पलेट होगा कुछ, यहाँ पे एक वीडियो चल रही होगी, ठीक है, मज़ीद डिटेल्ड लेआउट है। तो हमने अभी तक जितनी CSS और जितनी HTML पढ़ ली है
इस तरह का पेज बनाने में अभी क्या चीज़ बाकी रह गई है? HTML तो आपको पता है ना, हेडिंग लगी हुई है, लोगो लगा हुआ है तो इमेज होगी, फ़ोन नंबर भी H1 होगा या H3 होगा, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। वीडियो लगाने के लिए वो वीडियो का एक मार्कअप है, सही, HTML का एक वीडियो का मार्कअप है, वो लग जाएगा वहाँ पर, उसमें वीडियो का जैसे इमेज का सोर्स लगता है, वीडियो का सोर्स लग जाएगा, वीडियो आ गई बनी हुई। एंड नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ये बटन होगा यहाँ पर, ठीक है, बटन होगा, उसका कलर चेंज है, उसका टेक्स्ट का कलर चेंज है, वाइट हुआ है, बटन बाई डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, टेक्स्ट ब्लैक होता है उसका, तो उसने बटन को क्या किया हुआ है, ग्रीन किया हुआ है, सी ग्रीन, और उसने टेक्स्ट को वाइट कर दिया, ठीक है। तो ये सब तो आपको आता है, अब इसमें से एक चीज़ है जो आपको नहीं आती है, वो ये है कि भाई अब ये जो लैंडिंग पेज हुआ हुआ है लेफ्ट की तरफ और ये वीडियो हुई भी राइट की तरफ, अब जब मैं लगाता हूँ H1 तो वो पूरी जगह ले लेता है, वो अपने पड़ोस में किसी को आने नहीं देता, इसके पड़ोस में वीडियो आएगी कैसे? अब जब वीडियो पड़ोस में आ जाएगी ना, तो फिर देख रहे हो ये कंपनी जो लिखा हुआ है, ये कंपनी भी हेडिंग होगी, ये लोगो होगा, इसके पड़ोस में नेविगेशन बार, उसके पड़ोस में फ़ोन नंबर, तो जब हम पड़ोस में चीज़ें लाना सीख जाएंगे तो फिर ये भी हो जाएगा, हो गया ना। अच्छा, और इसमें क्या है ऐसा, अब फिर नीचे देखो तीन कंटेनर हैं, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, हर कंटेनर के अंदर एक हेडिंग, एक इमेज और एक पैराग्राफ है, ऐसे ही है ना, ये सब समझ में आ रहा है सबको जो मैं बता रहा हूँ? ये तीन कंटेनर बने हुए लाइन से, और ये तीनों कंटेनर किस पे आ रहे हैं, साइड बाई साइड आ रहे हैं, और हर कंटेनर, अच्छा इस कंटेनर पे बॉर्डर क्यों के नहीं लगा हुआ, तो ये कंटेनर हमें दिख नहीं रहा है, कंटेनर को जब तक मैं बैकग्राउंड कलर ना दूँ या उस पर बॉर्डर ना लगाऊँ, कंटेनर मुझे दिखेगा नहीं। हाँ, कंटेनर के अंदर का कॉन्टेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो उससे मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कंटेनर में एक हेडिंग है, एक इमेज है और एक नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है थोड़ा सा, और ये तीनों साइड बाई साइड हैं, तो ये काम भी हम अगर पड़ोस में लाना सीख गए तो ये भी हो जाएगा। तो अच्छा, और नीचे हम आते हैं, हेडिंग है, उसके पड़ोस में एक कंटेनर है जिसमें तीन बटन है, ये हेडिंग है, इसके पड़ोस में एक कंटेनर है जिसमें तीन बटन है, यहाँ पे भी पड़ोस में लाना सीख गए तो ये भी हो जाएगा। तो फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटेनर है यहाँ पर, ठीक है, ये 6 कंटेनर है, और हर कंटेनर में क्या है, एक इमेज, एक हेडिंग और एक टेक्स्ट। अब ये कंटेनर के अंदर भी एक कंटेनर है, देख रहे हो, इमेज हुई भी है लेफ्ट पे, टेक्स्ट और हेडिंग हुए हैं राइट पे, ये इमेज के अंदर भी कंटेनर है, फिर ये पूरा भी एक कंटेनर के अंदर है, कैसे भला, ये कैसे कंटेनर में, असल में यहाँ पे ना एक कंटेनर यूं है, एक कंटेनर यूं है, और तीसरे पे देखो बॉर्डर लगा हुआ है तो तीसरा नज़र भी आ रहा है, बाकी के दो नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि यहाँ पे भी असल में ये काम भी कंटेनर्स के जरिए हुआ हुआ है। तो तीन चकोर कंटेनर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब ये पहला जो कंटेनर है उसके अंदर क्या है, तीन कंटेनर है, 1, 2 और 3, ये तीन कंटेनर है। अभी हर तीनों के अंदर क्या है, तीनों के अंदर एक कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर, तो कंटेनर के अंदर कंटेनर से ही ये सारी सेटिंग हुई भी है, ये सारा लेआउट डिज़ाइन हुआ हुआ है, ठीक है। तो लेकिन अब मसला ये, बॉक्सेस करते हैं मस्ती, भीड़ बन के खड़े रहते हैं, उसको सीधा कैसे करना है वो देखने जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि फ्लैक्स बॉक्स का जो आइडिया है, जो बैकग्राउंड है कि फ्लैक्स बॉक्स क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया 2017 में, वो एम्स एट प्रोवाइडिंग अ मोर एफिशिएंट वे टू लेआउट, लेआउट बनाने का एक एफिशिएंट तरीका। अच्छा, हमने जो अभी देखा है ना, वो यही वाला ही तरीका देखा है, पुराने तरीके तो हमने डिस्कस ही नहीं किए, ठीक है ना, वो डिस्कस करने की ज़रूरत है। हमने जो अभी ये देखा है ना पूरे वेबसाइट का, जो कि भाई यहाँ एक कंटेनर है फिर उसके अंदर ये, वो हमने ये वाला देखा है, पुराने वाले हमें डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कैसे हो गए। अच्छा, अब लेआउट में क्या क्या चीज़ में ये हेल्प करेगा, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग आइटम्स इन अ कंटेनर, ठीक है, कह रहा है कि एक कंटेनर के अंदर इस जो जो कंटेंट है उसको अलाइन करना और स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करना आपस में, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। दोबारा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, एक कंटेनर है उसके अंदर तीन इमेजेस लगी हुई हैं मिसाल के तौर पर, तो फ्लैक्स बॉक्स आपको किस में हेल्प करता है, उन इमेजेस को अलाइन करना ना, कि भाई अगर एक बॉक्स है कंटेनर उसमें तीन इमेजेस है तो तीनों क्या उस कंटेनर के छत से लगी हुई हैं, या दरमियान में हो या नीचे हो, ठीक है, अलाइन उसको करेंगे आप, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइन करने में आपको हेल्प करेगा। नंबर 2,
स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा कि एक अगर कंटेनर बना हुआ है उसके अंदर तीन इमेजेस हैं, तो उस कंटेनर में जो भी अवेलेबल स्पेस है उसको तीन इमेजेस के दरमियान कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें। आया कि वो तीनों लेफ्ट वाली इमेज पूरा लेफ्ट पे चली जाए, राइट वाली पूरे राइट पे चली जाए और एक बीच में आ जाए, एक तो ये अप्रोच हो सकती है। एक ये हो सकती है कि जो भी स्पेस है इक्वली तीनों में डिवाइड हो जाए इक्वली। एक ये हो सकता है कि तीनों इमेज ना बिल्कुल चपक चपक के सेंटर में आ जाए और साइडों में जगह खाली हो जाए। तीनों रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये तीनों रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। हो सकता है मैं कुछ भी ऐसा बनाना चाह रहा हूँ जिसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ता हो, ठीक है। अच्छा, तो ये इन दो चीज़ों में हेल्प करेगा, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। अच्छा, कहाँ पे? अमंग आइटम्स इन अ कंटेनर। फ्लेक्स बॉक्स की कहाँ पे चलती है? सिर्फ कंटेनर के अंदर चलती है इसलिए, और कहीं नहीं चलती, सही है। इवन व्हेन देयर साइज इज अननोन और डायनेमिक, ये उस मौके पे भी काम करेगा जब आपके कंटेनर का साइज आपको पता ही ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे अभी जो हितेन ने जो बनाई थी वेबसाइट, उसमें क्या हो रहा था, मैं अगर वो वाली वेबसाइट खोल लूँ यहाँ पे, इसमें ना हमें कंटेनर का साइज नहीं पता था। ये मैंने खोल लिया, अब ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये कंटेनर, अभी तो खैर ये कंटेनर से नहीं बना हुआ, अभी ये कोई दूसरी अप्रोच है, मुझे इसका साइज नहीं पता। अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा, ठीक है, छोटा कर दूंगा तो कुछ डिवाइसेस पे ये बहुत छोटा दिखेगा। अच्छा, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ ना, देखो सही हो गया, लेकिन ज़्यादा जूम आउट करने से देखो दूसरी चीज़ें बाहर जा रही हैं। तो इस कंटेनर का मुझे साइज़ नहीं पता कि अब इस हेडिंग जो एड्रेस तो लंबा भी हो सकता है कभी, ठीक है, अगर एड्रेस लंबा है और इस कंटेनर में साइज़ कम है, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ डिवाइस से वो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी होगा, ज़ाहिर है इसको अगर मैं मोबाइल फ़ोन पर ओपन कर लूँ, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और इसके इसकी विड्थ को मैं देखो छोटा करता हूँ ना अगर, तो एड्रेस मज़ीद छुपता चला जा रहा है, तो मुझे कंटेनर का साइज़ नहीं पता। मैंने अगर उसको 170 पिक्सल पे सेट किया है तो मोबाइल फ़ोन पे वो और छोटा हो जाएगा, वो फिर भी छुपना शुरू हो जाएगा। तो फ्लेक्स बॉक्स उस मौके पे भी काम करेगा जब हमें उसका साइज़ कंटेनर का पता नहीं होगा, साइज़ उसका डायनेमिक होगा, कभी छोटा कभी बड़ा आएगा। तो लेकिन हम उसमें फिर भी क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई कंटेनर में जितना भी अवेलेबल स्पेस है ना उसमें इसको इक्वली डिवाइड मारो, तो हमेशा वो इक्वल डिवाइड मारेगा, ठीक है, रिगार्डलेस कि उसका साइज़ कुछ भी है। तो इस वजह से ये इन्होंने लिखा है कि उस वक्त भी काम करेगा जब कंटेनर का साइज हमें पता नहीं होता। द मेन आइडिया बिहाइंड फ्लेक्स लेआउट इज टू गिव कंटेनर द एबिलिटी टू अल्टर इट्स आइटम। अब ये तो इन्होंने गोल बता दिया कि हमारा गोल क्या था, अब ये काम करता कैसे ये वो बता रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फ्लेक्स बॉक्स लेआउट के पीछे जो आइडिया था ना कि ये काम करेगा कैसे, वो आइडिया क्या था कि कंटेनर को एबिलिटी दे दी जाए कि वो अपने आइटम्स को चेंज कर सके, अल्टर कर सके हर तरह से, ठीक है। अच्छा, क्या क्या अल्टर कर सके, उसकी विड्थ हाइट एंड ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे अब अगर हम तीन हेडिंग लगाते हैं तो जो हमने पहले लिखा है ऊपर आएगा, फिर जो लिखा उसके बाद आएगा, फिर जो लिखा उसके बाद, तो एक ऑर्डर में आएगा ना, वो ऑर्डर भी चेंज कर सकता है। एक अगर कंटेनर है उसमें मैंने तीन हेडिंग लगाई है तो ये भी कर सकता है कि तीसरे वाले को उठा के ऊपर ले आए, एबिलिटी है इसके पास। अब वो यूज़ हम कैसे करेंगे वो अभी तक हमने देखा नहीं है। तो कोई भी कंटेनर है, अगर मैंने उस कंटेनर को फ्लेक्सिबल बॉक्स बना दिया कि भाई ये कंटेनर क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल बॉक्स है, तो अब क्या होगा, उस कंटेनर के पास ये अथॉरिटी आ जाएगी जो इन्होंने इस लाइन में लिखा है। उस कंटेनर के पास क्या अथॉरिटी आ जाएगी कि वो अपने डायरेक्ट चाइल्ड को अल्टर कर सके, क्या क्या अल्टर कर सके, उसकी विड्थ हाइट उसका ऑर्डर, टू बेस्ट फिल द अवेलेबल स्पेस। अच्छा, अल्टर करेगा वो क्यों, वो इसलिए करेगा कि जो अंदर अवेलेबल स्पेस है ना उसके अंदर उसको अच्छी तरह फिट कर सके। अच्छा, तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि अगर किसी बॉक्स को मैंने फ्लेक्सिबल बनाया है तो वो सिर्फ उसके डायरेक्ट चाइल्ड पे अथॉरिटी है, उसके अंदर वाले चाइल्ड पे नहीं है, ठीक है, उसके अंदर वाले चाइल्ड पे उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने इससे पहले आपसे कहा था कि एक मैंने कंटेनर बनाया उसमें तीन इमेजेस हैं, ठीक है, तो उस कंटेनर को मैंने कहा कि तुम फ्लेक्सिबल बॉक्स हो, तो उस कंटेनर के पास ये अथॉरिटी आ गई है कि वो तीन इमेज जो है ना जो उसकी डायरेक्ट चाइल्ड है
उसको वो किसी भी तरह से उसके विर्थ हाइट ऑर्डर आगे पीछे करके उसको बेस्ट फिट कर सकता है। जाहिर है हमारे कहने पे करेगा, खुद नहीं करेगा, हम कहेंगे। अच्छा, लेकिन इमेजिन करो कि एक कंटेनर है, उसके अंदर एक और कंटेनर है, फिर उसके अंदर इमेजेस हैं, तो जाहिर है फिर वो, अगर मैंने टॉप वाला जो कंटेनर है उसको फ्लेक्सिबल बॉक्स बनाया है, ठीक है, फिर उसके अंदर एक और कंटेनर है और फिर उसके अंदर इमेजेस हैं, तो अब इमेजेस के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ किसको चेंज कर सकता है, सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड को चेंज करेगा। अच्छा, अगर मुझे करवाना है तो फिर मैं क्या करूँगा, इमेज का जो डायरेक्ट पेरेंट है ना, जो इमेज का, उसको मुझे फ्लेक्सिबल बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अ फ्लेक्स कंटेनर एक्सपेंड आइटम टू फिल अवेलेबल फ्री स्पेस एंड श्रिंक टू प्रिवेंट ओवरफ्लो, ठीक है। अब ये उसी को ऐड कर रहा है कि भाई विर्थ हाइट में असल में वो करेगा ये कि उसकी जो है ना, उसको श्रिंक कर सकता है, उसको फैला सकता है, उसको दबा सकता है स्पेस को फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने ना थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पढ़ लिया, होपफुली इससे, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने नोट किया कि ये बैकग्राउंड अगर समझ लेना तो फ्लेक्स बॉक्स जल्दी फौरन समझ में आता है, ठीक है। वरना कितने बंदे दे आर स्ट्रगलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। यार ये इसको क्या हो गया, वेबसाइट कुछ इनकी गड़बड़ कर दी है। इनकी वेबसाइट में कुछ गड़बड़ हो गई। ये असल में ये जो कंटेनर बना हुआ है ना, ये वाला, इसके बिल्कुल फ्रंट पे ही आना चाहिए था ये वाला। एक काम करता हूँ, मैं इनका ना पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वेबसाइट क्योंकि ना थोड़ी सी, अरे भाई नहीं करना, तो मैं वहीं से पढ़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं केशे वेशे ज़रा क्लियर करता हूँ, शायद ये सही लोड हो जाए। हाँ, अब सही लोड हो गई है, थोड़ा फिर नीचे चलेगी। खैर छोड़ो, ऐसे ही कोशिश करते हैं पढ़ने की हम इसको। अच्छा, तो अब हमें करना क्या है, देखो अब फ्लेक्सिबल बॉक्स जब हम बनाएंगे ना, तो कुछ प्रॉपर्टी जो लगेगी वो लगेगी कंटेनर पे। अच्छा, पहले तो शुरू, काम शुरू करने के लिए, कहानी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर होगा हमारे पास, उसको हम बोलेंगे भाई तू फ्लेक्सिबल बॉक्स है। पहले तो कहानी शुरू यहाँ से होगी, लेकिन जब वंस कहानी शुरू हो जाएगी तो उसमें कौन है, दो रोल है लोगों के, एक है कंटेनर, एक है उसके अंदर मौजूद आइटम, ठीक है। एक कंटेनर है, एक उसके अंदर मौजूद आइटम है। अच्छा, तो कंटेनर पे लगने वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ आइटम पे लगने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इन्होंने इस साइड वाली जो रो है ना, ये सारे कंटेनर पे लगने वाले CSS के रूल हैं, ये देख रहे हो, CSS के रूल हैं। और ये असल में दोनों साइड बाई साइड आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा एक नीचे चला गया। कितने बजे हो गई, मैं 2 मिनट भेजता हूँ। अच्छा, और दूसरा जो है वो लगने वाले आइटम पे, ये पता नहीं क्यों नीचे डिस्प्ले हो रहा है, ये दोनों, ये आइटम जहाँ लिखा हुआ है ना, ये इसके बिल्कुल सामने डिस्प्ले होता था, पता नहीं अभी कोई गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, तो कुछ आइटम पे लगने वाले हैं। अच्छा, तो पहले हम देख लेते हैं कि कंटेनर पे लगने वाले कौन कौन से वो हैं CSS रूल्स। तो कंटेनर पे लगने वाला सबसे पहला तो ये है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स, सही है। एक इन्होंने बोला क्लास है कंटेनर, जो उस पर क्लास कंटेनर लगी, तो इसको हमें सिर्फ ये देखना है पीछे वाला, तो हमें बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंटेनर फ्लेक्सिबल बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने दो डब्बे बनाए हुए थे, इन दोनों को मैं एक कंटेनर में पैक करूँगा, ये दोनों खुद भी कंटेनर है, बल्कि चलो वो वाला नहीं करते हैं, इसको फिलहाल हम कमेंट करके ना वो बना लेते हैं कि एक
कंटेनर है उसके अंदर तीन इमेजेस हैं, सही है, वो बना लेते हैं IMG, सही है। और इमेज मैं लेकर आ जाता हूँ, यहाँ से जो इमेज थी ना, सही है, इमेज भी मैंने उठा ली, कॉपी कर ली। अच्छा मैं SRC देता हूँ इसको प्रोफाइल, ठीक है। अभी फिलहाल ये वाला करते हैं कि एक कंटेनर है उसके अंदर क्या है, तीन इमेजेस हैं। ये सब CSS उड़ा देता हूँ मैं, जो ऊपर लिखी हुई थी मैंने, सही, ये सब उड़ा दिया मैंने। ठीक है अब देख लेते हैं ज़रा ये नज़र कैसा आ रहा है। अभी ये ऐसा नज़र आ रहा है, कंटेनर के ऊपर कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, कंटेनर को बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ मैं। मैंने कहा .1 बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है, या ब्लू दे देता हूँ, ऐसा दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन इमेजेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है स्पेस को। तो मैं क्या करूँगा, इसके पेरेंट जो है ना, इसका डायरेक्ट जो पेरेंट है उसको बोलूँगा भाई तू फ्लैक्स बॉक्स है। मैंने कहा भाई डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। मेरे पास एक अदद क्या है, कंटेनर, जिसको मैंने बोल दिया है फ्लैक्स बॉक्स होगा, सही है। ये कंटेनर है, इसके अंदर तीन इमेजेस हैं। तो अब ये जो कंटेनर है मेरा, इसके पास क्या अथॉरिटी आ गई है कि ये तीनों इमेजेस की विर्थ हाइट आगे पीछे कर सके, ऑर्डर कर सके, और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके इस कंटेनर में मौजूद स्पेस को। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है। पहले तो जब ये फ्लेक्सिबल बॉक्स बनाना, तो कुछ भी फील नहीं हुआ हमें, दो मिनट भेजता हूँ। जब ये फ्लेक्सिबल बॉक्स बना तो हमें कुछ भी फील नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे ना CSS पे लगाने वाली एक प्रॉपर्टी और है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जस्टिफाई कॉन्टेंट। जस्टिफाई कॉन्टेंट जस्ट मैं करूँगा ना, तो देखो कितने सारे ऑप्शन है, 1, 2, 3। तो मुझे इसमें से कौन सा वाला है, मुझे चाहिए स्पेस अराउंड, मुझे चाहिए इमेजेस के ऐसे डिस्प्ले हो जाए जैसे यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये किस पे लगाने वाला आइटम है, कंटेनर पे लगाने की चीज़ है ये, ठीक है। कंटेनर पे मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा जस्टिफाई कॉन्टेंट, और मैं बोलूँगा स्पेस बिटवीन, ठीक है। आ जाओ ज़रा जल्दी से ये करते हैं और फिर हम नमाज पढ़ने चलते हैं। मैंने कहा भाई जस्टिफाई कॉन्टेंट और स्पेस अराउंड, ठीक है, या स्पेस बिटवीन, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी। और अब मैं इन इमेजेस को देखूंगा ना आगे, तो इमेजेस क्या हो गई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई स्पेस, ठीक है। तो यहाँ तक अभी मैं रखते हैं, जल्दी से नमाज पढ़ के आओ, फिर हम आगे फ्लैक्स बॉक्स पढ़ते हैं, आज कंप्लीट करेंगे फ्लैक्स बॉक्स इंशाल्लाह। एक कंटेनर में तीन इमेजेस थी, उनको इक्वली हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा और इसके लिए हमने किया क्या, इसके लिए हमने एक अदद कंटेनर बनाया, इस कंटेनर को हमने क्या बोला कि भाई आप हो फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। और स्क्रीन उधर नहीं आई यार, उधर कर तो दी ना, दोबारा करता हूँ, अब आ गई। अच्छा तो एक डिव के अंदर, या एक अच्छा डिव भी बोल सकते हैं, कंटेनर भी एक ही नाम है, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, डिव और कंटेनर। अच्छा तो एक कंटेनर के अंदर मैंने तीन आइटम लगाए, ये आइटम अभी इमेज है, कल को हेडिंग या कोई दूसरा मार्कअप भी हो सकता था, पैराग्राफ या कोई आपका लिस्ट या एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता था ये, ठीक है। तो मैंने तीन आइटम लगाए और मैंने क्या बोला, कंटेनर को बोला है कि आप हो जाओ फ्लैक्स बॉक्स, आप फ्लैक्सीबल हो जाओ, सही है। और फिर मैंने बोला है कि जस्टिफाई कॉन्टेंट, यानी आपके अंदर जितने भी चिल्ड्रंस हैं आपके, उसको क्या कर दो, उसको जस्टिफाई कर दो आप इक्वली स्पेस अराउंड। अच्छा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जस्टिफाई कॉन्टेंट में और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। जस्टिफाई कॉन्टेंट में फ्लैक्स स्टार्ट भी हो सकता था, फ्लैक्स एंड भी हो सकता था, सेंटर भी हो सकता था। अच्छा देखो सेंटर में और स्पेस बिटवीन में क्या फ़र्क है, सेंटर में क्या करता है, ये सारे आइटम को चिपका देता है, बिल्कुल बीच में आ जाता है, दोनों साइड पे जगह खाली छोड़ देता है। स्पेस बिटवीन में क्या करता है कि फर्स्ट इमेज को बिल्कुल लेफ्ट पे ले गया, ये दीवार से चिपका दिया बिल्कुल, और राइट वाले को बिल्कुल राइट दीवार से चिपका दिया, और एक सेंटर में हो गया, बीच में जितनी जगह बची वो इक्वली डिवाइड हो गई। स्पेस अराउंड में क्या हुआ है कि तीन आइटम को इक्वली स्पेस दिया गया है,
लेकिन दीवारों के साथ भी कुछ ना कुछ स्पेस है, बिल्कुल दीवार से नहीं चिपका है। स्पेस इवनली में क्या है कि बिल्कुल इक्वल इसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो ये सारे ऑप्शन मेरे पास किस में थे? जस्टिफाई कॉन्टेंट में। अच्छा, अब इसी तरीके से अब इमेजिन करो कि मेरे पास जो है ना, तीन की जगह कितनी इमेज आ गई? चार, पाँच, छः इमेज आ गई। अब छः इमेज जब आ गई तो क्या हुआ? चार ही दिखा रहा है, बाकी स्क्रीन से बाहर हो गई। दिखा रहा तो छः, लेकिन स्क्रीन पे चार आ रही है सिर्फ। अब क्या करें? अब मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए कि जब स्क्रीन पूरा हो जाए ना तो वो नीचे आ जाए। ऐसे ही होना चाहिए ना, ये स्क्रीन में जगह ख़त्म हो गई, अब नीचे आ जाए वो। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप, ये है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है कि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स आइटम विल ऑल ट्राई टू फिट ऑन टू वन लाइन। कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जब किसी आइटम को आप फ्लेक्सिबल बनाएंगे तो उसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो एक लाइन में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन इमेजिन करें अगर एक लाइन में जगह नहीं बची तो फिर क्या करेंगे हम? तो फिर हम बोलेंगे कि फ्लेक्स रैप। अच्छा, ये फ्लेक्स रैप देखो लग रहा कहाँ पर है? कंटेनर पे लगा है। अभी तक चिल्ड्रन पे या आइटम पे लगाने वाला हमने कोई चीज़ डिस्कस नहीं किया। अभी तक हम सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं कि कंटेनर पे क्या क्या चीज़ें हम लगाएंगे। तो कंटेनर पे जाके मैंने बोला फ्लेक्स रैप कि भाई आप जो कंटेनर हो ना, फ्लेक्सिबल कंटेनर जो हो आप, तो आप साथ में रैप भी हो जाओ। रैप का मतलब ये कि जगह ख़त्म हो तो नीचे वाली लाइन में ले आओ अपने चिल्ड्रंस को। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे जाके बोला भाई फ्लेक्स रैप, और क्या बोल दूँ मैं? रैप, ठीक है। मेरे पास क्या ऑप्शन है? तीन है। एक तो नो रैप है, जो कि डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू पहले से होती है नो रैप, कुछ नहीं लगाओगे तो नो रैप है। एक है रैप और एक है रैप रिवर्स। रैप रिवर्स में क्या होता है? रैप होगा लेकिन शुरू की साइड से होगा, आखिर की साइड से नहीं होगा। समटाइम इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ सकती है कि शुरू से रैप होना शुरू हो जाए, यानी अपोजिट साइड से रैप हो जाए, होना शुरू हो जाए। तो अब जब मैंने इसको रैप डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे, तो अब ज़रा मैं देखता हूँ कि इसकी पोजीशन अब क्या है। रिफ्रेश किया मैंने, देखो वो नीचे वाली लाइन में चल गई। एक लाइन में जो आने की कोशिश कर रहा था ना, वो नीचे चला गया। अच्छा, क्योंकि मैंने कंटेनर की हाइट नहीं डिफाइन की है कोई, अगर हाइट डिफाइन की होती तो ज़ाहिर है फिर वो बाहर नहीं, तो कंटेनर पूरा बड़ा हो गया, कंटेनर ने अपने आप को बड़ा कर लिया। अच्छा, अब अगर मैं एक इमेज इसमें और डालूंगा तो क्या होगा? एक इमेज और डाल देना, एक इमेज मैंने और डाल दी, रिफ्रेश। सेंटर में क्यों आई? क्योंकि मैंने जस्टिफाई कंटेंट क्या लगाया हुआ था? स्पेस अराउंड। तो जितना, क्योंकि एक था सिर्फ नीचे वाली, तो स्पेस अराउंड वो पूरा उसने दोनों साइडों पर डिवाइड कर दिया। दो करूंगा तो क्या होगा? स्पेस अराउंड हुआ ये, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जो हमने ये देखा है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये इमेज जो है ना, ये वर्टिकली भी जो चपकी हुई है, इसको भी थोड़ा दूर करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा? मार्जिन वाला तरीका है, सिंपल थोड़ा सा मार्जिन डाल दूँगा ताकि इमेज आपस में दूर दूर हो जाए। आगे देखते हैं। मैंने कहा भाई IMG जो है ना, IMG पे क्या लगा दो आप? थोड़ा थोड़ा मार्जिन लगा दो। मैंने कहा IMG पे आप लगाओ मार्जिन, हर तरफ से मार्जिन लगा दो 10-10 पिक्सल, ताकि वो कहीं से भी ना चिपके नहीं, ठीक है। 10-10 पिक्सल मैंने हर तरफ लगा दिए, चारों साइड। अच्छा, अब आते हैं हम और आगे। ये है फ्लेक्स डायरेक्शन। अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि फ्लेक्स डायरेक्शन ये वाली होती है, ठीक है, ये वाली होती है। पहली इमेज इस कोने पे आ रही थी ना, जब तक मैंने स्पेस बिटवीन वगैरह नहीं, पहले इमेज कोने पे आ रही थी। मैं इसके डायरेक्शन रिवर्स भी कर सकता हूँ, मैं ऊपर से नीचे भी कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स ना बनाऊँ तो HTML का जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है कि हेडिंग लगाते हैं तो टॉप पे आती है, अगली हेडिंग उसके नीचे आती है, फिर उसके नीचे आती है, तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन जैसे ही मैं किसी कंटेनर को फ्लेक्सिबल बनाता हूँ ना, तो उसका डिफ़ॉल्ट ये वाला हो जाता है, ठीक है। तो मैं अगर डायरेक्शन इसकी चाहता हूँ कि ऐसे नहीं शुरू करे, बल्कि ये ऐसे शुरू करे, जो पहली इमेज है ना वो इस कोने पे नहीं आए, वो इस कोने पे आए, तो मैं इसको डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता हूँ। वो फिलहाल हम करके नहीं देख रहे, ठीक है, ये हमने देख लिया सारा। अच्छा, अब अलाइन आइटम। अलाइन आइटम हम उस केस में करते हैं, अभी तो हमारी इमेजेस सारी इक्वल है ना हाइट में,
जब आगे पीछे होती है ना हाइट में, तो हम क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेच करेंगे तो उसको खींच के लंबा कर देगा वो, लेकिन इमेज को आमतौर पर हम स्ट्रेच नहीं करते, हम या तो फ्लेक्स सेंटर कर देते हैं या तो बेस लाइन बना देते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको ये अलाइन कर देते हैं आपस में। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये भी मैं किस पे लगाता हूँ, कंटेनर के ऊपर लगाता हूँ, ठीक है। कंटेनर को मैं क्या बोलूँगा कि अपने अंदर के आइटम को अलाइन कर लो। एक तो जस्टिफाई बोला मैंने, जस्टिफाई में हॉरिजॉन्टल स्पेस डिवाइड हो रहा है, ये अलाइन है, इसमें वर्टिकल स्पेस डिसाइड हो रहा है कि बीच में होगा ये क्या होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, फिर एक अलाइन आइटम्स के अलावा एक अलाइन कंटेंट है। अलाइन कंटेंट कब इस्तेमाल होगा, जब मैं वो स्पेस बिटवीन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ इस तरह से गूगल इमेजेस में ये वाला हो रहा होता है, असल में गूगल इमेजेस में क्या होता है, ये वाला इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ, इसमें भी स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन है, लेकिन ये कौन सा वाला है, ये प्रॉपर्टी अलाइन कॉन्टेंट। तो अब आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहाँ पे जो रिक्वायर होगा ना वो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब इतना तो समझ में आ गया, इतना सब लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि जो सीवी बनाई थी ना आपने, उसमें जो एक तरफ इमेज और उसके सामने बिल्कुल टेक्स्ट, ये लगाने की कोशिश करते हैं, सही है। यही मसला हो रहा था ना, सब लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा था कि सर वो इमेज लेफ्ट पे नहीं जा रही या इमेज राइट पे और टेक्स्ट, तो वो कैसे होगा। तो अब क्या करता हूँ मैं, ये तमाम जो स्टाइल है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये जो सी एस एस थी इसको भी मैंने कमेंट कर दी और नीचे ये लाइन लगा दी कि भाई यहाँ पे एक हमारा एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। बल्कि छोड़ो, नई फाइल बना लेते हैं यार, नई फाइल बना लेते हैं ना, नई फाइल सीवी के लिए बना लेते हैं, वो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल था ना, इसी के नीचे मैं क्या करता हूँ, सीवी डॉट एच टी एम एल बना देता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि एक फाइल एक अलग डॉक्यूमेंट रहे हमारा। इसमें से मैंने सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा के मैंने क्या लिख दिया, एक बेसिक एच टी एम एल लिख दी फिलहाल के लिए। अच्छा, बेसिक एच टी एम एल में मुझे क्या चाहिए, पहले तो मैं ये अपना इमेजिन कर लूँ ना कि क्या चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए मेरे पास। अच्छा, तो मैं उसके लिए क्या खोलता हूँ, कोई पेंट का सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ मैं, ठीक है, कोई ड्राइंग ऐप खोल लेता हूँ जिसमें मैं बताऊँगी यार मुझे असल में करना क्या है, ठीक है। तो मैंने ये ड्राइंग की ऐप खोली, मैंने बोला भाई ये मेरी स्क्रीन है, सही है, ये मेरी स्क्रीन है। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अदद प्रोफाइल पिक्चर चाहिए यहाँ पे, सही हो गया। अब एक अदद प्रोफाइल पिक्चर मुझे यहाँ पे मिल गई। अच्छा, फिर मुझे क्या चाहिए, इस जगह पे एक हेडिंग चाहिए, ये हेडिंग होगी, ऐसे ही बनावा था ना लेआउट हमने थोड़ी देर पहले जो देखा था, तो हम अपना लेआउट सोच रहे हैं अभी कि हमें करना क्या है, ठीक है। उसके नीचे एक वन लाइनर चाहिए हमें छोटा सा, सही है, और उसके नीचे हमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन वाला पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे पीछे है ये, लेकिन हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वाला पैराग्राफ चाहिए ये वाला, ठीक है, मतलब इसके अंदर ये पैराग्राफ पूरा ऐसा लिखा हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पेज डिवाइड हो, यहाँ से ये पेज क्या हो जाए, इतने पे ये डिवाइड हो जाए, यानी इस तरफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ और हो, नीचे का बैकग्राउंड कलर अब मैं चाहता हूँ कुछ और। अब इसमें कौन मुझे ये सोच के बताएगा कि पहला कंटेनर कहाँ बनेगा, सबसे पहला कंटेनर जो मेरे समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको डिजाइन कंटेनर बनाने के मुख्तलिफ तरीके भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी वैसे ही बनाए, हो सकता है थोड़ा मुख्तलिफ बनाए सेम चीज़ अचीव हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो कुछ ऐसा होगा, एक कंटेनर जो आपका बनेगा ना वो तो बनेगा ऐसे, ये पूरा एक कंटेनर होगा, ऐसा ही है। अच्छा, इसके अंदर फिर बनेंगे दो कंटेनर, ठीक है, एक ये हो गया और एक फिर होगा ये, ठीक है। अच्छा, यहां पे कंटेनर बनाने की क्या मुझे जरूरत है इस जगह पे, क्योंकि ये तो सीधा सीधा है ना, एक हेडिंग है उसके नीचे दूसरी हेडिंग है फिर उसके नीचे एक पैराग्राफ, तो ये तो सीधा ही सीधा है, इसमें तो कुछ आगे पीछे नहीं करना,
ठीक है, ये जो इमेज है इसको, अच्छा ड्राइंग ऐप में थोड़ा ये आगे पीछे है, लेकिन ये इमेज मुझे असल में सेंटर में चाहिए, इस बॉक्स के सेंटर में चाहिए मुझे ये इमेज। अच्छा फिर हमारा जो ये वाला जो कंटेनर था ना, ये वाला, इस पे मैं बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा ना, तो इतने ही जगह की बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा फिर अगला बॉक्स मुझे चाहिए, तो अगले के लिए मैं अगला कंटेनर फिर नीचे पूरा मेरे पेज में होगा, जाहिर है वो मेरी स्क्रीन से बाहर जा रहा है फिलहाल, ठीक है। ये अगला बॉक्स होगा जिसमें मेरे साल के तौर पर मैंने स्किल्स या कुछ भी और, ठीक है, अलग अलग सेक्शन होते हैं ना कि एजुकेशन, फिर वर्किंग एक्सपीरियंस, फिर बायोडाटा कैसे, तो अलग अलग बॉक्सेस का मैं चाहता हूँ कि अलग अलग कलर हो, इस तरह की चीज़ हो। तो ये सब लोगों को समझ आ रहा है ये कैसे हुआ है? अच्छा इसको मैं सेव करके ना उसमें डाल भी दूंगा। अच्छा इसको हम टेक्निकली ना, इसका एक नाम होता है, एक तो वैसे तो लेआउट बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये जो मैंने एग्जैक्टली चीज़ बनाई है ना, इसको टेक्निकली कहते हैं वायर फ्रेम। क्या कह रहे हैं इसको? वायर फ्रेम कहते हैं, ठीक है। अच्छा तो अकॉर्डिंग टू दिस वायर फ्रेम या अकॉर्डिंग टू दिस लेआउट मुझे सबसे पहले क्या बनाना है? मुझे सबसे पहले ये जो बाहर वाला आउटर है ना, ये बनाना है। तो मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ, मैं कहता हूँ डिव, ठीक है, और इसकी मैं, इसको जाहिर है कुछ ना कुछ नाम रख देता हूँ इसका, मैं क्लास दे देता हूँ। क्या नाम रखना चाहिए इसका मुझे? सेक्शन रख देता हूँ मैं इसका नाम, सेक्शन वन, ठीक है। पहला सेक्शन, पहला सेक्शन है सबसे, जिसमें प्रोफाइल पिक्चर और सामने उसकी हेडिंग, फिर नीचे जो होगा उसको मैं सेक्शन टू बोल दूंगा, ठीक है। तो सेक्शन टू भी एक अदद मेरे पास आ गया जी, जाना है वहाँ रिकॉर्डेड, ये मैं शेयर कर दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग। सॉरी क्या, कौन सा लिंक? हाँ वो मैं इसी में अटैच कर दूंगा, सही, अच्छा याद कराया। अच्छा इसका ये लिंक जो है ना, इसका वेबसाइट का, ये मैंने कहाँ पे अटैच कर दिया, इसकी पहली लाइन में ये मैंने लिंक अटैच कर दिया, यहाँ से मैं देख के बता रहा हूँ। अच्छा सेक्शन वन जो था, अब थोड़ी सी सीएसएस भी लगाते हैं इस पर, मैंने कहा डॉट सेक्शन वन, सही है। सेक्शन वन की मुझे हाइट बतानी है, हाइट मुझे कितनी चाहिए इसकी? मुझे इसकी हाइट चाहिए मिसाल के तौर पर 600 पिक्सल, ठीक है। और कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसको, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया वाइट के करीब करीब का कोई कलर है, लेकिन वाइट से थोड़ा मुख्तलिफ है ये। अच्छा इसको मैं खोल भी लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखो ये ना 600 पिक्सल का बॉक्स बना हुआ आ गया, बिल्कुल सही है, अभी तक जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। अच्छा नीचे वाले को भी मैं कुछ ना कुछ बॉक्स में का कलर दे देता हूँ, ठीक है। नीचे वाले को मैं कहता हूँ कि यार तुम ना, अच्छा मुझे अगर कलर समझ में नहीं आया तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा सीवी लिखूँगा और यहाँ से ना किसी की वेबसाइट से मैं कलर उठा के ले आऊँगा। मैं बोलता हूँ ऐसा ब्लैक कलर चाहिए मुझे, सही है। अब ये ब्लैक कलर, ये कलर पिकर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पिक कलर फ्रॉम पेज, ये मैंने डार्क कलर यहाँ से उठा के और इधर ला के इसको ना पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सेक्शन टू है ये मेरा, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन टू, रिफ्रेश किया, देखो सेक्शन टू भी बन गया मेरा, दो सेक्शन बन गए जैसा मैंने ड्राइंग में सोचा था। अच्छा अब अगले ड्राइंग में मैंने क्या करना है, मैंने ये इसके अंदर वाला जो ये आइटम था ना, ये सही है, जो लेफ्ट और राइट पे जो डिब है मुझे ये वाला बनाना है, सही है। अच्छा आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, तो सेक्शन वन के अंदर मुझे दो डिब चाहिए, ठीक है। एक डिव को मैं नाम दे देता हूँ, क्या मैं कहता हूँ कि लेफ्ट, सॉरी क्लास लेफ्ट, सही है। और इसको मैं कह देता हूँ डिव, राइट, ठीक है, एक लेफ्ट है एक राइट है। अच्छा इन दोनों पे ना थोड़ा थोड़ा सा बॉर्डर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चल जाए ये कहाँ पर है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई डॉट सेक्शन वन, सेक्शन वन के अंदर जो क्या है डॉट लेफ्ट है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट मेरे पेज में और भी जगह पे हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला सेक्शन वन के अंदर जो लेफ्ट है ना उस पर लगाओ। उस पर मैं जाके क्या लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड रेड कर देता हूँ, ठीक है, इस पे भी कर देता हूँ और राइट वाले पे भी कर देता हूँ,
ठीक है, मैंने लेफ्ट और राइट दोनों पे क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दिया थोड़ा थोड़ा सा, रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये बिल्कुल एक लाइन में चिपका हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने इसकी विर्थ हाइट नहीं बताई। कंटेनर को जब तक मैं विर्थ हाइट नहीं बताऊंगा उसको पता ही नहीं चलेगा, तो आके इसको थोड़ा थोड़ा मैं विर्थ हाइट भी बता देता हूँ। हाइट मुझे एग्जैक्टली इसकी कितनी चाहिए, जितने इसके पेरेंट की, 600 पिक्सल चाहिए मुझे। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई हाइट आपकी क्या हो जाए, 600 पिक्सल हो जाए। इसकी भी हाइट मैंने बोला कि 600 पिक्सल हो गया, क्योंकि 600 पिक्सल मुझे पता है कंटेनर भी उतने ही का ही है। रिफ्रेश किया मैंने तो देखो क्या हुआ, एक मिनट यार, इसका ना, अच्छा दोनों में मैंने सेक्शन वन लगाया हुआ है, सही तो है यार। सेक्शन वन में ही मुझे दो बनाने हैं ना, सिर्फ नहीं, ये तो मैंने दो अलग अलग ही दिया ना, इसमें क्यों आएगा कॉमन। सेक्शन वन के अंदर जो राइट है और सेक्शन वन के अंदर जो लेफ्ट है, दोनों को मैंने कहा कि भाई क्या हो जाओ, अच्छा देखो अभी हुआ क्या है असल में, मुझे ना ये सेक्शन टू, इसका सेक्शन टू को थोड़ी देर के लिए हटाऊंगा ना तो मुझे दिखेगा हुआ क्या है। मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि ये हो क्या गया। देखो असल में हुआ ही है, जो कंटेनर है वो बाय डिफॉल्ट विर्थ पूरी ले लेता है, अभी तक तो फ्लेक्सिबल थोड़ी बनाया हमने, वो पूरी विर्थ ले लेता है, तो पूरी विर्थ इसने ले ली है। अब अगला जो था वो उसके नीचे आ गया, जाहिर है वो अपने पेरेंट की हाइट तो 600 थी लेकिन उससे बाहर निकल गया, ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये केस है हमारे पास, अच्छा तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, विर्थ भी कम करनी पड़ेगी मुझे इसके साथ साथ। मैंने कहा विर्थ भाई क्या चाहिए आपको, विर्थ मैंने कहा भाई 50% हो जाओ आप, ठीक है। इसको भी विर्थ 50% किया मैंने और इस वाले को भी विर्थ 50% किया, ठीक है। 50% तो हो गई लेकिन साइड बाई साइड ये अभी भी नहीं आए, क्योंकि ठीक है ना पूरी जगह लेके बैठे ना। अच्छा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को साइड बाई साइड लाने के लिए इसके पेरेंट को फ्लैक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसका पेरेंट कौन है, इन दोनों बच्चों का, ये चुन्ने मुन्ने जो है, इनका पेरेंट जो है सेक्शन वन है, इसके पेरेंट को मैं क्या कर दूंगा, फ्लेक्सिबल बॉक्स बना दूंगा। तो मैं जाता हूँ सेक्शन वन में, ये सेक्शन वन है मेरा, मैंने कहा भाई आप क्या हो जाओ, डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ। रिफ्रेश किया, सेट हो गया मेरे, अभी बॉर्डर हटा दूंगा मैं इसका, बॉर्डर की अभी फिलहाल मुझे ज़रूरत है तो लगाया हुआ मैंने। अच्छा अब मुझे एग्जैक्टली 50-50 भी नहीं करना है, जाहिर है प्रोफाइल जो होती है वो प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल आधी स्क्रीन पे नहीं आती, थोड़ा 40-60 होता है या 30-70 होता है। तो मैं इन दोनों का जो स्पेस है ना उसको क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई एक 30 हो जाए, एक 70 हो जाए, 30-70 यहाँ पे पिक्चर को मैं सेंटर कर दूंगा, बाकी यहाँ पे हेडिंग वेडिंग आ जाएगी मेरी, समझ आ रहा है कुछ। अच्छा अब और आगे चलते हैं, अब मैंने लेफ्ट वाले के अंदर जाके एक IMG लगा दिया, ठीक है IMG लगा दिया मैंने, इसकी ये जो अंकल की फ़ोटो थी ये लगा दी मैंने, ये आ गई यहाँ पर। अब मुझे इस फोटो को क्या करना है, अलाइन करना है, सेंटर करना है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जैसे जैसे करके मुझे सेंटर करना है। अब इसको एक तो तरीका ये हो सकता है मैं मार्जिन दे दूँ, लेकिन मसला ये है मार्जिन कितना दूंगा मैं, मुझे मिसाल के तौर पे ये जो बची हुई स्पेस है ना, ये जो बचा हुआ स्पेस है मुझे इसी पे मार्जिन देना है ना। तो मैं मिसाल के तौर पे ये 100 पिक्सल है, ऐसे देख के मुझे लग रहा है शायद 100 पिक्सल होगा ये, तो मैं उस तरफ अगर 50 दूँ तो 50 आगे आ जाएगा, सेंटर हो गया। लेकिन मसला कहाँ पे होगा कि जब मेरी स्क्रीन का साइज चेंज होगा, ये देखो ये तो सेंटर नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मुझे इसके लिए भी फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा इस इमेज को अगर मुझे सेंटर में करना है तो इस इमेज का पेरेंट है ना जो, उसको मुझे फ्लैक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसके पेरेंट को जैसे ही मैं फ्लैक्स बॉक्स बनाऊंगा ना, और मैं इसके पेरेंट को बोलूंगा भाई अपने बच्चों को संभाल लो बीच में कर लो, वो कर देगा, सही है। अब इसके पेरेंट को चल के हम फ्लैक्स बॉक्स करते हैं, इस इमेज का जो पेरेंट है वो है लेफ्ट, ठीक है। अच्छा आप इस पॉइंट पे ये भी आप नोट करें कि इसका सेक्शन वन जो है ये फ्लैक्स बॉक्स है, लेकिन इसकी अथॉरिटी सिर्फ अपने डायरेक्ट चाइल्ड पे, अपने पोतों पे नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपने डायरेक्ट चिल्ड्रन पे इसकी अथॉरिटी है। तो मैं इसके जो लेफ्ट जो है, जो इसका डायरेक्ट पेरेंट है, उसको भी मुझे फ्लेक्सिबल बॉक्स बनाना पड़ेगा।
मैं गया लेफ्ट वाले पे, मैंने कहा भाई आप भी क्या हो जाओ, डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ। डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने कर दिया उसको। जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स किया मैंने, तो ये कुछ और ही हो गया, जो होना था वो नहीं हुआ, कुछ और हो गया। ठीक है। अच्छा, तो फ्लैक्स बॉक्स का काम क्या होता है कि अवेलेबल स्पेस को क्या करे, अच्छी तरह डिवाइड करे, फिल करे। तो इसने ये भी बोला था कि इमेज को समटाइम खींच के बड़ा करके भी फिल कर देगा। तो देखो बड़ा कर दिया, खींच के बड़ा करके फिल कर दिया स्पेस को। ठीक है, लेकिन मुझे तो छोटा दिखाना है, तो मैं इमेज को अपने विड्थ हाइट दूंगा। सही है, विड्थ हाइट देके मैं इमेज को बताऊंगा कि भाई तुम्हारी ये विड्थ हाइट है। मैंने कहा विड्थ आपकी हो जाए 200 पिक्सल। ठीक है, इमेज को मैंने बोला कि आप 200 पिक्सल से बड़ा नहीं होना। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो ये क्या कर रहा है, हाइट को खींच के बड़ा कर दे रहे हो। ठीक है, तो अब एक तो तरीका ये होगा कि मैं विड्थ हाइट दोनों लगा दूँ, एक तो तरीका ये होगा। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। मैं क्या बोलूँगा, मैं लेफ्ट वाले को आके बोलूँगा कि भाई मेरा जो कंटेंट है ना अंदर का, उसको क्या करना है आपने, उसको सेंटर करना है, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। अब वो काम मैं कैसे करूँगा भला, वो काम मैं ऐसे करूँगा, आते हैं यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स में। सबसे पहले तो ये अलाइन आइटम, ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट ये क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, बड़ा कर दे रहा है। ठीक है, देखो स्ट्रेच क्या है, डिफ़ॉल्ट है ये जो स्ट्रेच है, ये क्या है, डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं किसी भी कंटेनर के ऊपर अलाइन आइटम नहीं लगाऊंगा तो बाई डिफ़ॉल्ट वो उसको स्ट्रेच करेगा, खींचेगा, उसको बड़ा करेगा। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ पे कौन सा वाला लगाना चाहिए, सेंटर लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, अलाइन आइटम, अच्छा किस पे लग रहा है ये लग रहा है किस पे, कंटेनर पे लग रहा है। ठीक है, तो जो भी उस इमेज का पेरेंट है या कंटेनर है उस पे मैं आगे बोलूँगा। ठीक है, इस इमेज का पेरेंट कौन है, लेफ्ट है, तो मैं लेफ्ट पे जाके बोलूंगा कि अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स और सेंटर। तो इससे वो क्या करेगा, उसको खींचना, खींच तान करना बंद कर देगा उसको। देखो वर्टिकली अब ये सेंटर में हो चुका है, वर्टिकली अब क्या हो चुका है, ये सेंटर में हो चुका है। अब मैं इसको छोटा करूँ, बड़ा करूँ, ये वर्टिकली सेंटर में है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ये सेंटर में है। अब मुझे उसको हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में करना है, वो कैसे करूँगा आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं सेंटर ये वाला लगा दूँ तो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाना चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फ्लैक्स स्टार्ट, बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं लगाएंगे तो ये होता है फ्लैक्स स्टार्ट का मतलब है दिस वन, ऐसा ही हुआ हुआ है अभी। ठीक है, देख लेते हैं एक नज़र, देखो इधर है ना, शुरू में हुआ हुआ है फ्लैक्स स्टार्ट। तो इस पर मैं क्या बोलूँगा, अच्छा लग रहा है ये भी कंटेनर पे, तो मैंने बोला कि भाई जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर में हो गया। उसके बाद मैं इमेज को अब आगे क्या दूंगा, बॉर्डर रेडियस, मैं बोलूँगा भाई सेक्शन लेफ्ट के अंदर जो इमेज है ना, सेक्शन लेफ्ट के अंदर जो आईएमजी का एलिमेंट है उसको क्या दे दो, बॉर्डर रेडियस दे दो 50%, इमेज गोल हो गई, हो गई। अच्छा दूसरी साइड पे तो हेडिंग लगानी है, वो तो नॉट अ बिग डील। राइट वाले के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने एक H1 लगा देना है, सही है, मैंने कहा सम नेम। ठीक है, उसके बाद मैंने H3 लगा देना है। ठीक है, H3 में मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, सीनियर, बल्कि सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लगा देना है, पैराग्राफ में थोड़ा सा मुझे टेक्स्ट चाहिए तो मैं वो यहाँ से टेक्स्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, ऐसे रैंडम मैंने टेक्स्ट उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये तीन चीज़ें लग गई। अब इसमें देखते हैं कि आया क्या, हमें कुछ करने की ज़रूरत है इसमें या नहीं है। हाँ, इसमें भी कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत मुझे है, क्योंकि ये टेक्स्ट जितना ऊपर जा रहा है मुझे इतना ऊपर नहीं भेजना है, मुझे वर्टिकली इसको क्या करना है, सेंटर करना है। वर्टिकली सेंटर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस बॉक्स को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। मार्जिन पैडिंग से भी कर सकता हूँ, मगर मसला वही है कि मार्जिन पैडिंग तो लगा दूंगा मैं, लेकिन जब साइज़ चेंज होगा तो फिर क्या होगा, फिर मसला हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा इसके पेरेंट को भी मुझे फ्लेक्सिबल करना ही पड़ेगा। तो राइट इसका पेरेंट जो है वो राइट है, जिस पे क्लास लगी हुई है राइट, वो इसका पेरेंट है। तो आके राइट वाले को ना, ये है राइट वाला, इसको मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या हो जाओ, डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ आप।
ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स होते ही जाहिर है डिफॉल्ट वैल्यूज जो थी ना डिस्प्ले फ्लैक्स की, वो सब अप्लाई हो गई। वो क्या थी कि डिस्प्ले फ्लैक्स जैसी होता है हर आइटम सिंगल लाइन में आने की कोशिश करता है, वो हो गया। तो पहले तो उसको हम वर्टिकली सीधा करते हैं ना, बीच में करते हैं, उसके बाद इसका भी हल निकालते हैं। सही है, वर्टिकली सीधा करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है, अलाइन आइटम्स मौजूद है। ठीक है, तो मैं इस पे जो राइट वाला था ना, इसमें आके मैंने बोला अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो ये देखते हैं वर्टिकली सेंटर में हो गया ये। अब ये जो ऐसे गया हुआ है ना सीधा, ये क्या था इसका, ये था इसका फ्लो। फ्लो कहाँ गया, फ्लो कहाँ गया भाई, नहीं यार ये था ना फ्लो, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लो नहीं है डायरेक्शन नाम है इसका। अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होता है, रो होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि रो जो है वो डिफॉल्ट है, ये क्या करता है लेफ्ट टू राइट लेके जाता है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे टॉप टू बॉटम लाना है ना, कि पहली हेडिंग पहले फिर उसके बाद फिर उसके बाद। तो इसके लिए मैं क्या लगा दूंगा, ये वाला, दैट इज कॉल्ड कॉलम सेम एज रो बट टॉप टू बॉटम, हाँ कॉलम लगा दूंगा मैं। तो मैं बोलूंगा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, मैं इसको आगे बोलूंगा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट है। अब फ्लैक्स डायरेक्शन भी कॉलम हो गया, लेकिन मसला क्या अब हो रहा है कि वो कंटेनर के दरमियान में आ रहा है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी। मुझे कंटेनर के कहाँ पे लाना है, इसको शुरू में लाना है, मुझे इस दीवार के साथ चिपकाना है इसको। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि कंटेनर में जो अंदर आइटम्स हैं उसको लेफ्ट पे लाने के लिए क्या करना होता है, कंटेनर में जो आइटम्स हैं उसको लेफ्ट पे लाने के लिए ये करना होता है। क्या है ये, फ्लैक्स स्टार्ट। ठीक है, ये पर्पल वाला जो ये क्या कंटेनर है, ये आइटम है अंदर के, आइटम को लेफ्ट पे लाने के लिए फ्लैक्स स्टार्ट, राइट पे ले जाने के लिए फ्लैक्स एंड। तो मैं इस पे लगा देता हूँ फ्लैक्स स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट। अरे क्या सेव नहीं किया मैंने, ऐसा क्यों हुआ बोला, नहीं जस्टिफाई कंटेंट मैंने फ्लैक्स स्टार्ट लगा तो दिया। अलाइन आइटम इसका जो है ना कॉलम हुआ है, इस वजह से ये वो कर रहा है। अच्छा, अलाइन आइटम जब कॉलम हो जाता है ना, अलाइन आइटम जब कॉलम हो जाता है सर, वो बस आप दोस्त पीछे आप तशरीफ रखें, मैं आपको बताता हूँ। असल में वो जो जॉब्स पे जाने वाले हैं ना वो जा रहे हैं, वो तो वैसे भी जाहिर है रुक नहीं पाएंगे। हाँ जी जी, आप बस दो मिनट तशरीफ रखें, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ बस। जो जस्टिफाई कंटेंट है ना वो बाय डिफॉल्ट किस पे होता है, जब उसकी जो रो होता है ना उसके हिसाब से होता है। तो जब ये रो में होता है तो उसको वो कहाँ भेज रहा है, शुरू में भेज रहा है, लेकिन अब हो चुका है ऐसे ही हूँ। तो अब जब मैं स्टार्ट करूँगा तो कहाँ भेजेगा उसको, टॉप पे भेजेगा। तो इसका मतलब है ये अब काम नहीं आएगा हमारे। अब इसको एंड करूँगा तो नीचे भेजेगा, एंड लगा के देखता हूँ नीचे भेज देगा इसको, देखना ये नीचे भेज, क्योंकि अब डायरेक्शन यूँ हो गई है, फ्लेक्सिबल की डायरेक्शन यूँ है। ठीक है, अच्छा जब फ्लेक्सिबल की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल थी तो ऊपर नीचे करने के लिए अलाइन आइटम लगता था, अब डायरेक्शन इसकी ऐसी हो गई है तो इसको यूँ यूँ करने के लिए अलाइन आइटम लगेगा, तो अलाइन आइटम से हो गई। ठीक है, ये मुझे फ्लैक्स, इसको रोक देता हूँ फिलहाल। ठीक है, और मैं अलाइन आइटम्स मैंने सेंटर जो किया ना, अलाइन आइटम जो मैंने सेंटर किया था वो उस वक्त किया था मैंने जब डायरेक्शन ऐसे थी, लेकिन अब मुझे अलाइन आइटम कहाँ करना पड़ेगा, लेफ्ट करना पड़ेगा, सॉरी लेफ्ट नहीं करना पड़ेगा, हाँ लेफ्ट से हो गया। मैं तो यहाँ से देख के करता हूँ भाई हमेशा, अलाइन आइटम फ्लैक्स स्टार्ट फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट करूँगा ना उससे भी काम सेम होगा। सही है, अच्छा बारह इसको फ्लैक्स स्टार्ट करके देखते हैं। सही है, फ्लैक्स स्टार्ट से भी सेम होगा।
क्योंकि अब डायरेक्शन ऐसे है ना मेरी, तो ऐसे करूँगा तो इधर होगा, ऐसे करूँगा तो इधर, तो फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड। अच्छा अब ये जो ऊपर नीचे था मुझे उसमें सेंटर करना था, तो वो किससे हो रहा था, वो जस्टिफाई कॉन्टेंट से हो रहा था। जस्टिफाई कॉन्टेंट को अब मैं क्या करूँगा, सेंटर करूँगा, ठीक है। अलाइन आइटम भी सेंटर और जस्टिफाई कॉन्टेंट भी सेंटर, यानी दोनों साइडों से मैंने सेंटर कर दिया उसको, जी हाँ। अच्छा अब ये दीवार के साथ बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है तो थोड़ा इससे दूर करना है, इसके लिए मैं मार्जिन लगा सकता हूँ, लेकिन इसको एक दफ़ा जूम इन जूम आउट करके चेक कर लेते हैं। जूम आउट किया, जूम इन किया, ठीक है, जूम आउट किया, जूम इन किया उसको मैंने, इसको मैंने दीवार से थोड़ा दूर करना है। अब दीवार से दूर करने के लिए ये जो लेफ्ट जो जो ये पूरा राइट है ना, जो ये जो पूरा राइट बना हुआ है, इसको पूरे को भी मैं मार्जिन दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके अलावा पैडिंग भी एक चीज़ होती है। पैडिंग से क्या होता है, जैसे अगर मैं ये जो रेड वाला बॉक्स है ना, ये लेफ्ट इसका नाम है, सॉरी राइट इसका नाम है रेड वाले बॉक्स का, अगर मैं इस बॉक्स को मार्जिन दूंगा तो मार्जिन बाहर की तरफ लगता है, ठीक है, बॉर्डर से बाहर की तरफ लगता है ना मार्जिन। अगर मैं पैडिंग दूंगा ना तो ये अंदर की तरफ पड़ेगा, देखते हैं देगा। मैंने इसको आगे बोला, मैंने कहा भाई पैडिंग आप कितनी ले लो, 30 पिक्सल पैडिंग ले लो। तो ये जगह देख रहे हो, ये वाली जगह, ये जगह और ये जगह, ये इस जगह पे पैडिंग आके सेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, पैडिंग जो है ना वो एडअप होता है ओवरऑल पूरे बॉक्स के साइज में, ठीक है। पैडिंग क्या होता है, ओवरऑल पूरे बॉक्स के साइज में एडअप होता है, ठीक है। तो हमें पैडिंग सिर्फ कहाँ पर देनी है, सिर्फ लेफ्ट साइड पर देनी है, क्योंकि विर्थ तो डायनेमिक है, विर्थ तो हमने बताई नहीं है जितना साइज होगा, तो चारों साइड पे मुझे ये नहीं देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पैडिंग डैश लेफ्ट करूँगा मैं सिर्फ, ठीक है। पैडिंग डैश लेफ्ट किया ना तो सिर्फ इस साइड पर आया। अच्छा इसकी जगह मैं मार्जिन अगर करता ना, जाहिर है मार्जिन भी सिर्फ लेफ्ट पे ही देता मैं, मार्जिन डैश लेफ्ट, और मैंने कहा 30 पिक्सल। तो मार्जिन ना बॉर्डर से बाहर की तरफ लगता है, ये देखो। खैर बॉर्डर तो मैं हटा दूंगा तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कुछ भी लगाऊं मैं एक ही बात है, ठीक है। तो ये मार्जिन पैडिंग भी पता चल गया। अच्छा अब मैं इसका जो है ना ये बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर मैंने इसका भी हटा दिया, बॉर्डर मैंने इसका भी हटा दिया, ये मेरे पास सेट हो गया, कितना क्लीन डिज़ाइन बना। अच्छा इसको मैं जितना भी जूम आउट कर लूँ, ये मैं नीचे मुझे दूसरा बॉक्स बनाया ना, ये तो मेरा लेआउट अभी ऐसा था, नहीं साइड से थोड़ा अगर वाइट चाहिए वो उस बॉक्स का कलर चेंज कर दो, जिस बॉक्स में वाइट चाहिए उसका कलर चेंज कर दो। जैसे इस जगह पे तुम्हें कोई गोल सा चाहिए, यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है तो बॉक्स लगाओ पहले एक यहाँ पे, ठीक है। फिर तीन कंटेनर रहेंगे, 1, 2, 3, या सेकंड वाले के अंदर बनेगा। अब तो ये चीज़ समझ आ गई ना फ्लैक्स बॉक्स, जैसे मर्जी लेआउट बनाओ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज़ और भी करनी है, यहाँ पे मैं वापस लाता हूँ इन दोनों को। ये मैंने क्या किया, एक काम मुझे और भी करना है, वो क्या काम है कौन बताएगा। एक काम मुझे और यहां पे क्या करना है, दोबारा इसको मैं बंद करता हूं। हाँ भाई एक काम मुझे आखिरी ये करना है कि जब मैं ज्यादा जूम इन करता हूँ ना तो देखो एक दूसरे पे चढ़ जाता है ये, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ जाता है ये। मुझे अब इसमें कुछ ऐसा करना है जो आखिरी काम है, जिसके बाद हम खत्म करेंगे क्लास को। मुझे कुछ ऐसा करना है कि जब ज्यादा स्क्रीन का साइज छोटा हो जाए ना तो क्या हो जाए, ये इमेज ऊपर चली जाए टेक्स्ट नीचे आ, देखो इमेज ऑलरेडी बाहर आ चुका है अपने कंटेनर से, इमेज ऊपर चला जाए टेक्स्ट नीचे आ जाए, इसके लिए क्या चीज़ यूज़ होती है कौन बताएगा। रैप, रैप यूज़ होता है ना इसके लिए, कि अगर जगह बच जाए, कहाँ गया रैप, ये रहा फ्लैक्स रैप, कि अगर जगह ख़त्म हो जाए तो नीचे आ जाए, जो आगे जो फ्रंट जो साइड बाय साइड है जो पड़ोस में उसके है, अगर जगह नहीं बचे तो नीचे आ जाए। अच्छा तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो दो आइटम हैं, अभी हमारे पास एक लेफ्ट है एक राइट है, वो दो है ना कंटेनर, हम चाहते हैं कि लेफ्ट वाला ऊपर चला जाए राइट वाला नीचे आ जाए जब जगह खत्म हो, तो मैं इन लेफ्ट और राइट का जो डायरेक्ट चिल्ड्रन जो डायरेक्ट पेरेंट है उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा भाई तेरी ये दोनों बच्चे जो हैं अगर जगह कम हो जाए उसको आपने रैप कर देना, सही है भाई।
अच्छा, तो आप आगे देखते हैं कि इन दोनों के डायरेक्ट, एक और ये दो, यही है ना दोनों लेफ्ट और राइट, इनका डायरेक्ट पेरेंट कौन है? सेक्शन वन. तो सेक्शन वन को मैं क्या बोलूँगा कि सेक्शन वन, ये मेरे सेक्शन वन की सी एस एस है, इसको मैं बोलूँगा कि भाई फ्लैक्स रैप, ठीक है, और रैप, ठीक है, रिफ्रेश किया इसको मैंने. अब देखो जैसे ही जगह कम होगी ना, वो भाई ये तो शुरू में ही चला गया. अच्छा शुरू में ये पता है क्यों चला गया? शुरू में ये इसलिए चला गया कि जगह हमने कुछ इसको वो देने में गड़बड़ कर दी है. नहीं एक मिनट में देखते हैं ना कि कौन से वाले का साइज कितना है. इंस्पेक्ट किया मैंने, असल में वो 30-70 जो मैंने दिया था ना साइज दोनों का, और फिर मैंने मार्जिन भी दे दिया 30 पिक्सल, तो वो अभी भी वो स्क्रीन के साइज से बड़ा है, ठीक है. तो मुझे 30-70 का कुछ गड़बड़, कुछ चेंज करना पड़ेगा. इसको मैंने दिया था 30 पिक्सल, 30% पूरी स्क्रीन का, और इसको 70 दिया था. फिर मैंने मार्जिन 30 पिक्सल अलग से दे दिया, तो पूरी स्क्रीन मेरी 1000 पिक्सल की है ना अगर, तो इस पूरे की विड्थ कितनी हो चुकी है सर? 1030 हो चुकी है. तो वो पहले ही शुरू में ही नीचे चला जा रहा है. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सेकंड वाले में से ना 70 हटा के देखता हूँ, ताकि जितना मिले वो ले ले. सही है, 70 हटाऊँगा तो क्या होगा, जितना मिलेगा वो ले लेगा. अच्छा ये मैंने 70% इसका हटा दिया, ठीक है. तो जाहिर है बॉर्डर तो मैं हटा दूंगा ना, बॉर्डर तो रहेगा ही, ठीक है. तो जितना मिलेगा वो ले लेगा अगर. तो बस ये मेरे समझ में आ गया हल इसका, कि अगर मैं ये 70% जो मैंने रखा हुआ है ना बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं हटा देता हूँ, उससे होगा ये कि जितना मिलेगा ना उस तरफ वो जगह पूरी ले लेगा. और अब मैं इस पर लगाऊंगा फ्लैक्स रैप, ठीक है. अब देखो जूम इन करके चेक करते हैं, जैसे ही जगह कम हुई नीचे आ गया, ठीक है. अब बॉर्डर हटाऊंगा तो ये ज़्यादा सही दिखेगा. अभी तो बॉर्डर लगा हुआ है ना, एक पे ग्रीन लगा हुआ है बॉर्डर, एक पे रेड लगा हुआ है, ठीक है. रिफ्रेश किया मैंने. अच्छा इसको ना एक गूगल क्रोम में अपना भी होता है ऑप्शन मोबाइल डिवाइसेस पे चेक करने वाला, वो कहाँ पे होता है? वो ये छोटा सा जो बटन है ना, ये मोबाइल बना हुआ है जो, ये बटन होता है, इसको मैं प्रेस करूँगा ना तो ये मोबाइल पे टेस्ट करने के लिए मुझे ये खोल देगा, ठीक है. ये देख रहे हो, ये है हमारा लैपटॉप 4K, जैसे ही छोटा होता है ये उसके नीचे आ जाता है, तो ये नीचे चला जाता है. अब जाहिर है इसकी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी कि किस पॉइंट पे जाके ये नीचे आए. सही है, ये इसकी ट्यूनिंग होगी फाइन, जाहिर है. अभी ये थोड़ा सा उस तरफ से भी बाहर निकल रहा है, तो शायद मैंने इमेज भी बहुत बड़ी लगा दी है. तो ये हमने बेसिक जो था ना फ्लैक्स बॉक्स, वो हमने आज सीख लिया, ठीक है. ये तो रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ हम चलेगा कि भाई अगर स्क्रीन छोटी हो तो नीचे चला जाए. इसके लिए फिर एक और भी चीज़ इस्तेमाल होती है, मीडिया क्वेरी. मीडिया क्वेरी क्या चीज़ होती है, मैं वर्बली बता देता हूँ, W3 School पे उसका कोड भी मौजूद है. मीडिया क्वेरी ये चीज़ होती है कि जैसे ये इमेज है ना, मैं उसको बोलूँगा कि अगर स्क्रीन का साइज़ हो जाए 400 पिक्सल से कम या 600 पिक्सल से कम, तो अभी जो 200 पिक्सल है ना इमेज, ये 150 पिक्सल हो जाए. कंडीशनल CSS होती है ये, ठीक है. तो ये अगर मैं काम कर दूँ, देखो मोबाइल पे इतनी बड़ी इमेज तो मुझे किसी काम की है नहीं मेरे लिए, ठीक है. तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड मीडिया क्वेरी. अच्छा मीडिया क्वेरी के जो रूल्स हैं वो भी उस लिस्ट में मौजूद हैं जो मैंने कल आपको दी थी लास्ट क्लास में, वो उसमें मौजूद है सारे रूल्स ना, तो वहाँ से देख के भी कर सकते हैं, मीडिया क्वेरी को अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अच्छा आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह CSS जितनी पढ़नी थी ना हमने, वो हमने आज पढ़ ली है. अपने CV में सब लोग ये अप्लाई कर लीजिएगा फ्लैक्स बॉक्स. इंशाल्लाह कल से फिर हम वेरिएबल सीखेंगे, कि JavaScript के वेरिएबल सबसे पहला टॉपिक है JavaScript का, वो हम सीखेंगे, और फिर हम JavaScript onwards पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी. अच्छा अभी आप लोग जाएंगे नहीं, ब्लड बैंक से एक दोस्त आए हैं हमारे, सर प्लीज़ आप आ जाएं और ये आपसे जो है ना कुछ बातें करेंगे, तो